अब मैंने एक लड़की को 3 साल तक लव लेटर लिखा। अच्छा, तुम्हारी शादी होने वाली है? अरे मेरी नहीं, उसकी शादी होने वाली है। किससे? उस पोस्टमैन से। भाई मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ मेरे दादाजी की तरह। अच्छा भाई, तेरे दादाजी करोड़पति थे? नहीं भाई, वो भी करोड़पति बनना चाहते थे। बेबी, आज मैं आपको चिकन बना दूँ? अबे रहने दे, मैं इंसान ही अच्छा हूँ, बढ़िया ही जादूगरनी। आज मैं आपको चिकन बना दूँ। अरे क्या हुआ यार? मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है यार। पर मैं तो शॉपिंग पे जाने का सोच रहा था। मैं तो मजाक कर रही थी। अरे मैं भी मजाक ही कर रहा था। भाई देखो, पता है मैं जब भी घर से निकलता हूँ ना, तो अपनी बीवी को किस करके निकलता हूँ। भाई वो तो मैं भी करता हूँ। कब भाई? भाई तेरे आने के बाद। पंडित जी, पत्नी के दाईं तरफ बैठना है या बाईं तरफ? कहीं भी बैठ जाओ जजमान, बाद में तो आपके सिर पे ही बैठेगी ये। सुनो, अगर तुम मुझे 100 रुपए दोगे तो मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए की सलाह दूंगी। अच्छा, ये लो। अगर कोई ऐसे पैसे मांगे तो कभी देना मत। सुनो जी, एक बात बताओ, पुलिस और पत्नी में क्या अंतर है? अजी मेरा घंटा अंतर है। पुलिस और पत्नी की राशि भैया एक ही होती है। पुलिस रिमांड से मारती है और पत्नी डिमांड से। भाई साहब, ये बोरी आपकी है? हाँ। बैठ जाओ मैं इस पे। काय के लिए बैठ जाएगा? बैठ जान दो यार। ए दादा, खरबूजे फट जाएंगे। बैठ जान। ओ, इसमें खरबूजे हैं। अरे गधे, इसमें खील है बड़ी बड़ी, ये खरबूजे तेरे फट जाएंगे। अच्छा भाई, तू अपनी गर्लफ्रेंड से कितना डरता है? भाई मैं तो बहुत डरता हूँ। तू नहीं डरता क्या अपनी गर्लफ्रेंड से? बिल्कुल भी नहीं डरता। देख अभी उसी का कॉल आ रहा है। हेलो, कहाँ हो, कब आओगे? हाँ आ रहा हूँ, और नहीं आऊंगा तो क्या उखाड़ लोगी? जल्दी आ जाओ। हाँ वैसे मैं कोशिश करता हूँ बेबी, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। आओगे या नहीं? यार तुम्हारे बाप का नौकर हूँ क्या? काटो कॉल, मैं आ रहा हूँ। हाँ बस देखा, भाई पैसे वैसे में किया इसे? भाई कॉल म्यूट पे करके ना सारी भड़ास निकाल देता है तेरा भाई। अरे मगर ये सिगरेट तो मैंने इसी मॉल से लिए। सर हम इस मॉल में डायपर्स भी बेचते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि आप यहीं पे हकने बैठ जाए। मम्मी ये फिर आ गया। कितने खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनकी जिंदगी में एक असली जिंदा पांडा जैसा दोस्त होता है। पर उस जिंदा पांडा की जिंदगी में भी अब बाबू सोना आ जाते हैं, फिर उनको वेट लॉस करना है। अरे चुलमुले, मत कर वेट लॉस, मेरा पांडा ढिमकांडा फलांडा हो जाएगा। साहब साहब साहब, मेरी बीवी गुम हो गई है, मैं क्या करूं? अबे अंधे, ये पोस्ट ऑफिस है, बीवी गुम हो गई है तो पुलिस स्टेशन जाना, इधर क्यों आया? माफ कीजिएगा सर, खुशी के बारे पता नहीं चल रहा, क्या करूं, किधर जाऊं? ताली पे मार ताली, आए हाय। ताली पे मार ताली, आए हाय। सबसे जहर मेरे जीजा की साली। जिंदगी में सबसे ज्यादा मजा तब आता है, जिंदगी में सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब आपको सारी सच्चाई पता हो, लेकिन सामने वाला पूरे विश्वास के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोल रहा हो। सासू माँ, पाए लागू, कैसी हो? ए नासपीट है, कितनी बार बोला है फोन मत करा कर, अब मेरी बेटी तेरे घर नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी, फिर क्यों फोन करता है? सुनकर बड़ा अच्छा लगता है इसीलिए। अच्छा जानू, मोदी जी एक दिन में 3 देश कैसे घूम लेते हैं? अरे यार, साथ में बीवी ना हो ना तो आदमी एक दिन में लंदन पेरिस होते हुए शाम को दिल्ली आ जाता है, वरना तो बिग बाजार में ही शाम हो जाती है। जैसे ही उसका तुतलाना बंद हो जाए तो समझ जाना आपका पत्ता कट चुका है, अब उसका नया बाबू थाना थाएदार। ओए वापस रख उसे, तेरे बाप को माल है, चल चुप हो। अगर शादी के बाद भी लड़के का पेट बाहर ना निकले ना, तो समझ जाना चाहिए लड़का शादी से खुश को नहीं। ए पतिदेव। बोलो क्या काम है? काम कुछ नहीं, बस उंगली की ताकत चेक कर रही थी।
क्या हुआ भाई, रो क्यों रहा है? भाई मेरी बीवी ठीक नहीं है यार, मैंने तो शादी के पहले बोला था तेरी बीवी ठीक नहीं है, पड़ोसी कलुए से चक्कर है उसका। आ गया इधर आ। अबे साले बुखार है उसको, इधर आ साले। भाभी हाँ? मैं बाहर जा रहा हूँ घूमने, आपके लिए कुछ लाने? नहीं मेरे लिए कुछ नहीं लाना, अपने लिए बीवी लिया। वो तो भैया ने ले ली। यार एक बात पूछनी थी, शादी घर वाले खुद करवा देते हैं, अब बताना पड़ता कि बड़े हो गए हैं। मुझे लगता है अपन दोनों को ज्यादा मिलना नहीं चाहिए। क्यों, क्या हुआ? मुझे तुझसे प्यार होने लग गया है और मैं नहीं चाहता अपनी दोस्ती खराब हो। तू मना किसने किया है, करना प्यार। पहले मुझे शर्ट भी धोनी नहीं आती थी, फिर किसी ने मुझे सलाह दी तो शादी क्यों नहीं कर लेता। अब मैं शर्ट के साथ साथ प्लाजो, लहंगा, साड़ी सब धो लेता हूँ। ए भाई चल यहाँ से निकल। अरे क्या हो गया भैया, ये मेरा इलाका है, यहाँ सिर्फ मैं भीख मांगता हूँ, निकल। ये देखो मंदीप, मेरी फोटो के पीछे कुत्ता आ गया। ओहो तो क्या हो गया, आप लिख देना आगे वाला मैं हूँ। रिश्ता पसंद आए ना है, पर सुन के मजा बड़ा आता है कि तुम्हारे लिए फलानी जगह से रिश्ता आया। एक लड़की ने मुझे कमेंट किया, आप बुढ़ी होके भी वीडियो बना रही हो। तो बेटा 17 साल में मेरी शादी हुई और 18 साल में ये बेटा हो गया, पहला बड़ा बेटा मेरा 21 साल का है। तो अब आप हिसाब लगा लीजिए, आज की लड़कियों की तरह नहीं 33 साल की शादी करके जग आई हुई हूँ मैं। मामू आवाज नहीं आ रही। कान पे लगाओ। ओए इसको ऐसे बोलो ना। जब मैं 10 साल की थी मम्मी बोलती थी लड़कों से बात मत करना, जब 15 साल की थी तब बोलती थी लड़कों से बात मत करना, जब 20 साल की थी तब बोलती थी लड़कों से बात मत करना, जब मैं 25 साल की थी तब बोलती थी कोई लड़का पसंद हो तो बताना। रामू साजी आके पानी लेकर आओ। सुनो हाँ? आप मोटे नहीं हो गए हो? तो मैंने सुना कि किस करने से कैलोरीज बर्न होती हैं। बहुत मारूंगी यार। एक बात समझ नहीं आई यार, छोटी बहू आ जाने के बाद बड़ी वाली बहू सास की नजरों में कैसे अच्छी हो जाती है, वो तो पहले बहुत बुरी हुआ करती थी। गिरी गई हो तो प्रणाम भी कर लो बड़े भाई को। जी भाभी जी।